नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 16 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि का नाम चंद्रकांत देवताले, कविता का नाम यमराज की दिशा। बच्चों, वीडियो के पिछले भाग में हमने इस कविता का सार पढ़ा था। आशा है आपको समझ आया होगा। वीडियो के इस भाग में हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, मृत्यु का देवता कहा जाता है। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला भगवान शिव को, दूसरा यमराज को, तीसरा हनुमान को, चौथा इंद्र को। बच्चों, सही उत्तर है यमराज को। इन्हें मृत्यु का देवता कहा गया है। प्रश्न 2, कवि को किस बात का अफसोस रह गया। उत्तर, कवि को अफसोस है कि वह कभी दक्षिण के छोर तक नहीं पहुंच पाया, जिससे वह यमराज का घर नहीं देख पाया। प्रश्न 3, मृत्यु की दिशा कौन सी है। उत्तर है, मृत्यु की दिशा दक्षिण दिशा होती है। प्रश्न 4, कवि को मां से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। उत्तर, कवि को मां से दक्षिण दिशा की पहचान का ज्ञान प्राप्त हुआ। बच्चों, कवि की माने उन्हें दक्षिण दिशा की जानकारी दी कि यह दिशा मृत्यु की दिशा होती है। प्रश्न 5, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। उत्तर, कवि को मां ने जो ज्ञान एवं संस्कार दिए थे, उसके कारण कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। प्रश्न 6, चंद्रकांत देवताले के अनुसार मां को जीवन जीने के नवीन रास्ते कहां से पता चलते हैं। उत्तर,
चंद्रकांत देवतालय के अनुसार माँ को जीवन जीने के नवीन रास्ते ईश्वर की सलाह से पता चलते हैं। बच्चों, जैसा इस कविता में पढ़ा, देवताली जी को लगता था कि उनकी माँ की ईश्वर से मुलाकात होती है तथा माँ सब काम ईश्वर की सलाह से करती है। प्रश्न 7, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? उत्तर, कवि के अनुसार आज चारों तरफ हिंसा, लूटपाट, अन्याय, शोषण आदि आपराधिक कार्य होने लगे हैं। इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।